पंजाब सरकार के गठित ब्राह्मण भलाई बोर्ड के चेयरमैन शेखर शुक्ला कई जिलों का दौरा करते हुए फिरोजपुर पहुंचे, जहां ब्राह्मण परिवारों ने बैठक कार्यक्रम के दौरान गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें ब्राह्मण भलाई बोर्ड पंजाब के चेयरमैन पद की नियुक्ति पर बधाई दी। इस दौरान ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधियों ने भी खासतौर पर उनका स्वागत किया। इसके बाद ब्राह्मण भलाई बोर्ड के चेयरमैन शेखर शुक्ला ने भगवान परशुराम की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए बैठक का शुभारंभ किया। वहीं इस बैठक के दौरान ब्राह्मण सभा फिरोजपुर शहर के चेयरमैन हरिराम खिंदड़ी के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद बुद्धिजीवियों ने ब्राह्मण समाज और उसके कल्याण को लेकर खासतौर से विचार विमर्श किया। जिसमें सबसे पहली गल पहली बात तो ये कही गई कि भगवान परशुराम चेयर जो स्थापित तो की गई है उसके लिए फंड सरकार द्वारा आज तक नहीं दिया गया, जो एक मजाक लगता है। दूसरा, विधिवत तरीके से स्कूलों से संस्कृत भाषा का समाप्त कर दिया गया, उसको पुनर्सजीव करने के लिए बल दिया गया। इस ब्राह्मण सभा में एक तोहफा दे के बहुत चंगी तरह साडा सन्मान किया, मैनू उस सभा का चेयरमैन लाया। मैं सारे पंजाब के ब्राह्मण समाज का बहुत धन्यवादी हाँ, ऋणी हैं, जिन्होंने अपनी एकता दिखा के ये ब्राह्मण समाज लिए ब्राह्मण भलाई बोर्ड बनवाया। मैं सारे समाज को बेनती करना कि भी ब्राह्मण समाज के जो भी समस्यावां इस बोर्ड राही मैं हल करवाने का सरकार को वचनबद्ध हैं।